सब्सक्राइब करें सभी किचन को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूध पाउडर का खीर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम, शक्कर, दूध पाउडर, चावल और पानी। इन सब की क्वांटिटी कम या ज्यादा सब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावल को धो लेते हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं चावल को पकाने की तरफ। तो सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं 1 गिलास पानी। फिर गैस को करते हैं ऑन। फिर चावल को हम डाल लेते हैं। इसके बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चावल पक रहा है तब तक हम दूध पाउडर का घोल बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे गरम पानी 1 गिलास और 1 कटोरी दूध पाउडर, मिल्क पाउडर। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए हमारा चावल पक गया है। देखिए तो इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर को। देखिए और डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बॉईल आने के बाद डालेंगे फिर शक्कर। देखिए तब तक भी मिक्स होगा। लगभग 7 से 10 मिनट के बाद अब हम इसमें डालते हैं शक्कर। फिर इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हम देखते हैं तो हमारा खीर बनकर हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं सर्व की तरफ। अब हम गैस को करते हैं बंद। फिर लास्ट में हम डालते हैं इस ड्राई फ्रूट को। ये रहा हमारा मिल्क पाउडर का खीर।